तो भाई चुन्नू का नया घर। ओ बॉय, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ दे दू। वो जा रहा था उसकी यहाँ से सातल पे से, उसको काट लिया। तो गाइस सुबह सुबह सफाई हो रही है और मम्मी यहाँ से धो रही थी और मैं चाय पी रही हूँ, मम्मी की चाय वो रखी। और चुन्नू वहाँ मिट्टी में बैठे हुए, चुन्नू देखो वो दिख रहा है ना पानी में, पानी में। हाँ पानी में, इसको पानी बहुत पसंद है। और इसमें ये सारे फ्लावर धोने हैं, इसमें सरफ डाल दिया है पानी में। मैं ये बोल रही हूँ ऐसे पानी डालने से पौधे भी खुश हो जाते हैं, ये बोल रही हूँ। हाँ गाइस चीनू सुबह सुबह आज बना रही है ब्रिंजल की सब्जी, ये इसने यहाँ पे काट के रख दिए है। और अभी यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। चीनू बहुत अच्छी सब्जी बनाती है भाई, आज मैं खाऊंगी पेट भर के रोटी कई दिनों में सब्जी के साथ, है ना। सुबह सुबह स्वाति घर आ गई है, आते ही सो गई है क्योंकि बहुत थकी हुई थी। तो गाइस हम एक बार जा रहे हैं मार्केट में, बहुत तेज धूप है तो आज मैंने धूप से बचाव के लिए ये एक चीनू ने ऑर्डर करके मंगवाया था ये पहना है। देखो इस पर कैप भी है, फुल इसकी बाजू है और ये चेन है, ये मास्क का काम करेगा, ये यहाँ तक फिट हो जाएगा। अभी आपको करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल सही, बढ़िया। और ये चुन्नू यहाँ पे खाना खा रहा है धूप में। चीनू इसका खाना छाया में रख दे। तो अभी चीनू ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया है, मैंने नहीं पिया क्योंकि बर्फ वाला था और चीनू को पसंद है। हो गया चलें। तो गाइज हम घर पे आ गए हैं और हमने ना आज वो इस रूम के लिए एक वॉलपेपर पसंद करा था लेकिन आज नहीं हो पाएगा, दो दिन बाद आएंगे वो करने के लिए। पहले तो देखने आएगा कल, फिर इसका जो नाप वाप करके इसका सामान लेके आएगा। तो चीनू ने फोटो वगैरह ले रहे थे लेकिन मैं वहाँ पे ना ब्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि बहुत भीड़ थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। पर कोई नहीं, जब यहाँ लग जाएंगे तो आपको दिख ही जाएंगे। तो इस रूम में से ना, ये रूम थोड़ा छोटा है, बहुत सारा सामान मेरे को हटाना पड़ेगा तो उसके बाद ये रूम सही लगेगा। चीनू इस वाली दीवार पर तो आएगा ही नहीं क्योंकि इस वाली दीवार पर पूरा ये अलमारी निकली हुई है ना, तो इस पर तो आएगा नहीं। तो फिर ये बची हैं तीन दीवारें तो इन पर आएगा। यहाँ से ये वाली मैं टेबल उठा दूंगी, ये भी हटा दूंगी, यहाँ से फिर थोड़ा खुला हो जाएगा। हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा सामान मैं उठा भी नहीं पाऊँगी, अलमारी तो यहीं रहेगी क्योंकि इसमें सबके कपड़े रखे हैं और बस वही उठ सकता है पीछे से। चीनू यहाँ पे पड़ती है तो ये चीनू काम भाई, ये भी नहीं उठा सकती मैं। तो चलो देख लेंगे, पर कुछ ना कुछ तो सेटिंग चेंज करेंगे, ठीक है। और बेड का सिलाना लगाएंगे। चीनू खा रही है अपना वो फेवरेट स्वीट कॉर्न। बेड का सिराना भी लगाएंगे? सिराना इसलिए नहीं लगेगा, पता है वो मैं अब बता रही हूँ, ये अलमारी अड़ जाती है ये वाली। चीना चल आ जा। तो गाइज हम अपना सामान इधर उधर हटा के सब सफाई कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से भी करी है और इसके ऊपर से भी करा बहुत है, बस वैसे ये रखा हुआ है। अभी इसको भी यहाँ से एक बार हटा के अच्छे से सफाई करूँगी मैं कल। चल चीनू चुन्नू का हाल पूछ लेते हैं कि उसकी क्या हाल चाल है। खाना दे दिया था उसको गाइस, ये देखो चीनू को इसके लिए मच्छरदानी लाई है। मैं कह रही हूँ मम्मी गिल्ला होने के लिए किस हद तक नहीं जा सकता। सुन मेरी सुन। हाँ। उसको होने दे गिल्ला, गाड़ी इधर घूम जाएगी तो मच्छरदानी को यहीं लगा। कूलर के नीचे बैठा है कि मैं गिल्ला हूँ। तो भाई चुन्नू की आ गई है नई मच्छरदानी, ये देख लो चुन्नू तेरे लिए चीनू क्या क्या कर रही है। ये आई राई सी में और ये पता है क्यों लगा रही है चीना, ये भाई रात को इसे मच्छर ना काटे। अब रूम में ये रुकता नहीं, रूम में बंद करते हैं इसे तो बाहर भागने की सोचता है ये। तो चीनू ने दिमाग लगाया कि इसके लिए मच्छरदानी लगा दी जाएगी बाहर की, ये मच्छरों से बच जाए और इसमें आराम से सो जाए। बस एक दिक्कत है कि भाई सुसु ये इसी में करेगा, अब वो बाहर तो आ नहीं सकता। पर चीनू ने बोला है कि मैं कर दूंगी साफ, तो अभी उसका खाना वाना भी रख रही है उसी में, ये चीनू इसी में बैठ जाएगा अपने पानी वाले में ही। एक चेन देख इसकी, एक सही है इसकी चेन, कौन सी है वो, ये वाली।
मच्छर ना घुस जाए, जल्दी कर दे। हाँ तो भाई चीनू ने इसको इसके अंदर रोक दिया है और इसके अंदर जाके तो खाना खा रहा है ये। देखो इसके मौज, अब ये पानी में बैठेगा, पानी में ये पानी में खड़ा हो जाता है अपने। देख लो भाई इसके नखरे। अब एक तो वो सही है, बस वो रहने दे, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे मुड़ी हुई है थोड़ी सी, पर ये इसमें सेफ है। ठीक है। और इसमें छोटे मोटे जो छेद हो रहे थे ना, वो भी मैंने सिल रखे हैं। सेफ है डॉगी से भी, डॉगी तो कुछ नहीं करता भाई। ये वैसे तो मच्छरदानी काफी बड़ी है, पूरा 6x6 की है, आराम से सोएगा ये। और इसके नीचे हमने इसलिए कर दिया, अगर बारिश आ गई तो ये भीगे ना, बच जाए ये। तो भाई चुन्नू का नया घर वो भी जाली का घर, इसको चुन्नू क्या सोच रहा है तू? कर दिया। हाँ क्या सोच रहा है? ये आप... सोचता है कि मैं नए नए कहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ बाहर आने की सोच रहा है ये। तो बाहर आना है? नहीं, चैन है उसको, चैन मिलेगा, वो ऐसे ही सोता है दुबक्के। नहीं नहीं हट जाएगा, अरे कुछ नहीं है, वो हट जाएगा, मोटी खाल है, बाल भी तो है, बच जाएगा। ठीक है, कूलर चला रहे हैं, कूलर एकदम मस्त हवा देता है, बस ना ये पानी थोड़ा अच्छे से, मतलब वो जाली क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो घास है वो अच्छे से लगी नहीं है, तो देखो नीचे पानी गिरता है। इसको दिन में करेंगे ठीक चीनू, ठीक है। चलो बाहर घूमते हैं थोड़ी देर। मैंने ना सोचा कि चुन्नू को बिल्ली से मिलवा देती हूँ, तो मैंने बिल्ली को बुलाया, और फिर मैंने चुन्नू को लाया ना, तो बिल्ली उस पर भौंक पड़ा, फिर ये चुन्नू प्याऊ करने लगा था। अच्छा, फिर मेरे को डर हो गया कि काट लेंगे, इसलिए मच्छरदानी में भी छोड़ा है कि मैं मच्छरदानी मेंढक मेंढक नहीं, अंधेरे में चमकती है, मेरे को दिखने लग रही। कालू भी आ गई। ओ बॉय, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ दे, पार मम्मी गली से पार। ध्यान बहुत रखते हैं ये, रखवाली करते हैं ना हमारी। भाई हमारी गली में ना 10-15 कुत्ते हैं टोटल, ये गिने चुने तो सब ने देख ही रखे हैं, पर इनके भी अलावा जो उस वाले रोड पे रहते हैं भाई, गिने चुने 10-15 कुत्ते हैं, इतनी रखवाली करते हैं ना। रात को जैसे कोई पार्सल वाला जो मतलब स्विगी वाला गुजरेगा ना, उसको पड़ेंगे। बिल्कुल, पता है मेरे को वो एक आंटी बता रही थी कि इन्होंने 6 बाइक वालों को रात को काट लिया, रात को गुजरता है तो काट लेते हैं। अब उनकी मजबूरी है, बॉर्डर पे आ रहे हैं, लेकिन इनको तो ये लग रहा है इतनी रात को क्यों आ रहे हैं हमारे इलाके में। और ये जो जॉय है ना, जैसे मैं ब्लॉग में बोलती हूँ कि जॉय को ज्यादा प्यार नहीं करूंगी, ये सिर पे चढ़ जाएगा, ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जॉय ऐसा कुत्ता है कि ये इतना ध्यान रखता है, ये मतलब इसको पता है हमारे यहाँ कौन कौन रहता है, उनकी शक्ल इसने नोट कर ली, और जो भी इसको अंजाम दिखेगा ना उसको ही काट लेगा। अभी इसने कल परसों एक लड़की को काटा है, वो जा रहा था और दिन का टाइम था, वो जा रहा था उसकी यहाँ से सातल पे से उसको काट लिया और उसको टाक के आया 6। वाह, और उसको इंजेक्शन लगे, वो अलग, अभी तो कई दिन चलेगा उसका बेचारे का इलाज। हाँ। अब वो भी क्या करे, उसको थोड़ी पता था कि काट लेगा। जो ऐसा है हमें नहीं काटेगा क्योंकि हम यहाँ रहते, उसको पता है, लेकिन जो इसको अंजाम दिखेगा ना उसको काट लेगा। इसने बहुत काटे हैं, बहुत इसकी शिकायतें आ रही है वैसे। यहाँ गली में भी सब बोलते हैं कि जो भोक पड़ता है हम पे भी भोक पड़ता है, हमें काटता नहीं है भोक पड़ता है, लेकिन वो मेरे पे कभी भोकता नहीं है, मैंने ये चीज देखी। वो हमें, हमने तो उसको अच्छे से खिलाया पिलाया है ना, तो फर्क रहता है। अब वैसे वो भी चीज नहीं है, मैं जोए को मार देती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने एरिया की वो हिफाजत करते ही है। अनजान को तो भोकेंगे ही, काटेंगे, खा जाएंगे, बिल्कुल ये सच है, ये हर हर एरिया की बात है, यहाँ की नहीं है, हर एरिया की बात है। तो वैसे तो देखो बहुत अच्छी बात है, इनकी रखवाले बहुत करते हैं ये। अभी चलो उसका हालचाल जान लेते हैं, वो क्या कर रहा है अंदर मच्छरदानी में, देखते हैं।
सही है भाई, ये तो अपना बढ़िया बैठा हुआ है, सही है। अंधेरा बिल्कुल हो रहा, दिख भी नहीं रहा कुछ, उधर बैठा देखो उस तरफ। तो भाई चलो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई बात नहीं अंधेरा ठीक है, पता ही है सबको हम बाहर हैं। तो चलो भाई हम भी सो जाते हैं, बहुत कम काम करते हैं दिन भर में, आज पूरे थक गए हैं वैसे भी। तो चलो गुड नाइट बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ। मुसाफिर धूप का था मैं, नहीं थी छाँव मिलो तक।